वेलकम बैक गाइस, स्वागत करते हैं एक और लेटेस्ट वीडियो के अंदर। और आज की वीडियो इस टॉपिक पे होने वाली है कि फेसबुक एरर क्यों आ रहा है। अगर कोई एरर आपका आ चुका है, कोई अलर्ट ऑप्शन आ चुका है, या आपका कोई मोनिटाइजेशन का कोई भी आपने पहले से रिव्यू में दिया हुआ था वहां से रिजेक्ट होके आ गया है, मोनिटाइजेशन आपने देख हो चुका था और अब रिजेक्ट हो चुका है, तो उसके टाइम पे हमको क्या करना है? तरीके तो बहुत सारे हैं। या तो आपका सारा ओरिजिन कंटेंट आप डाल रहे हो फिर भी कोई एरर आ पेज पे आ रहा है, या फेसबुक रील्स पे, या कहीं भी मतलब कोई से ऑप्शन में आ रहा है, या प्रोफाइल में भी कोई दिक्कत आ रहा है। सिंपल ये है, छोटे मोटे एरर होते हैं वो अपने जैसे मेरी भी आपने वीडियो देख ली तो आप समझ गए यहाँ ये चीज करनी है। ऐसी ना और भी वीडियो बनी हुई है, तो उस टॉपिक का नाम लिखो जो आपको एरर आ रहा है, उस एरर का नाम लिखोगे आप ना अपने यूट्यूब पे जाके तो उस चीज का ना सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। पर फिर भी गाइस ऐसा होता है कि ना अपने कोई चीज सोल्यूशन ढूंढते हैं उस चीज का ढंग से कोई सोल्यूशन नहीं मिलता। तो आपको क्या करना है, आप सोच रहे होते क्या काश मैं ना डायरेक्ट ना सीधा फेसबुक से कनेक्ट हो जाऊं, फेसबुक कस्टमर केयर से बात कर लो और मैं पता लग जाए क्या मेरे पेज पे या मेरे क्या प्रोफाइल पे मेरा क्या प्रॉब्लम क्या हो रहा है, क्या मेरा क्यों डिसेबल हो रहा है बार बार मोनेटाइजेशन, या फिर क्यों मेरे फालतू के एरर आ रहे हैं। ऐसे टाइम पर आपको क्या, ऐसे टाइम पे बहुत सही आप क्या कर सकते हो, सबसे सही सबसे आसान और अच्छा तरीका ये है कि आपकी मतलब प्रोफाइल की सेटिंग्स में ठीक है पोर्ट का ऑप्शन आता है, जैसा कि मेरे आसपास कहीं पे स्क्रीनशॉट चल रहा हो, स्क्रीनशॉट में लगा दूं या स्क्रीनशॉट लगा दूं, पूरी वीडियो चल ठीक है आप समझ जाओ, तो ऐसा सिस्टम चल रहा हो ठीक है गाइस। तो होता क्या है, अपने सही से काम नहीं करते, अपने क्या करते हैं अपने इधर उधर ढूंढते रहते हैं फालतू वीडियो देते हैं। इससे अच्छा आप क्या करो, फेसबुक कस्टमर केयर से बात, सपोर्ट वाले ऑप्शन में जाओगे वहां पर आपको काफी ऑप्शन मिल जाएंगे, कोई एक ऑप्शन क्लिक करा आपने और वहां से पता लगा लिया आपका, मान लो वहां पे लिखे ही होते हैं कि आपका कौन सी चीज से प्रॉब्लम हो रहा है, अकाउंट में दिक्कत हो रही है, आपका कोई मोनेटाइजेशन रिजेक्ट हो गया है, कुछ भी हो गया, तो ऑप्शन होता है ठीक है। आपको कोई सही तरीके से नहीं मिलता, मैं आपको आज दो ही तरीके बता रहा हूं। पहला मैं ये बता ही रहा हूं कि आपको इस तरीके से करना है, आपने सपोर्ट वाले ऑप्शन में जाना है, स्क्रीन मिररिंग चल रहा होगा, स्क्रीन रिकॉर्डर चल रहा होगा, आप समझ जाओगे किस तरीके बता रहा हूं मैं, कहां जाना है आपको। डेस्कटॉप मोड पे करना चाहते हो डेस्कटॉप मोड पे हो जाएगा, फोन से करना चाहते हो फोन से हो जाएगा ठीक है। और सेकंड जो है सबसे आसान है, एक फॉर्म आता है फेसबुक को भेजने के लिए, वो फॉर्म भी मैंने इधर उधर से निकाला है जुगाड़ करके ठीक है, काफी दिमाग तेरा करने पर मैंने निकाला है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक सब्सक्राइब आप कर दोगे ना तो मजा ही आ जाएगा ठीक है। तो करना क्या आप उस फॉर्म को फिल करना है ठीक है, फिल कैसे करना है ठीक है, मैंने ना उसका ना थोड़ा स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आपको कुछ नहीं करना उसमें ना, मतलब आपका जो जिस चीज के ऊपर प्रॉब्लम आ रहा है, पहले तो आपको अपना पेज का यूआरएल वहां पे जहां जहां वो चीजें मांगे ना एक जगह अपने आप यूआरएल का पेस्ट को कॉपी मांगेगा, मेरा नाम मतलब जो आपकी या तो पेज का नाम डाल देना पूरा, या फिर आपका यूआरएल डाल देना कॉपी पेस्ट कर देना वहां पे ठीक है। और जो भी आपकी प्रॉब्लम है ना लास्ट नीचे जाके लिख देना ठीक है, चैनल का फर्स्ट में नाम लिख देना जाके अपना, ये पूरा नाम आपका नाम जो पूछे ना आप भर देना ठीक है, लिख देना जो जो पूछे ना वो सब लिख के, उसके बाद आपको लास्ट में ये करना जो जो आपकी प्रॉब्लम है सारा नीचे लिख दिया, भैया मेरी ये प्रॉब्लम है आप जो फटाफट सही कर दीजिए, हमें अगर पैसा कमाना है जल्दी से हमारा फटाफट सही कर दो, तो वो कुछ नहीं करेंगे, वो दो मिनट लगाएंगे आपका, बस चेक करेंगे हाँ हाँ भैया आपका सही है सारा, और आपका सही होगा और आप सही होंगे तो आपका कोई प्रॉब्लम जो प्रॉब्लम आप लिखोगे वो दो मिनट में सही कर देंगे। और बस आपके पास ना आपकी जीमेल आईडी, हाँ जीमेल आईडी वहां लिखना मत भूलना, जो आपका फेसबुक कनेक्ट जिससे कनेक्ट रहता है या वो जीमेल आईडी लिख दो, नहीं तो जो जीमेल आईडी आपके पास रहती है ना वो भी वहां लिख देना, अगर आप कोई चीज अगर वो सही करके भेजेंगे या कोई प्रॉब्लम अगर उन्होंने सही करी या नहीं करी तो वो आपकी जीमेल आईडी पे भी तो भेजेंगे ना, हाँ भाई साहब मैंने आपकी जीमेल आईडी भेज दी, आपकी ये गलती थी इसलिए हमने आपका चैनल जो है वो डीमोनेटाइज कर दिया पेज को या किसी सिस्टम को, आपको इस तरीके से करना है ठीक है। आपको क्या करना है, अपने जीमेल आईडी लिख दी है, साथ में पेज का लिंक भी उधर ही नीचे पेस्ट कर देना अपने, जहां पे आप कुछ लिखोगे ना कि मेरी ये प्रॉब्लम है उसके नीचे लिख देना ये सारा जो जीमेल आईडी है और उस चीज को, मैंने कुछ ज्यादा फास्ट बता दिया लेकिन अब समझ जाओ मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको फॉर्म मिलेगा जो जो है उसको लिख देना है, पहले भर देना है, भरने के बाद उस फॉर्म के नीचे ऑप्शन रहता है जहां आप अपनी प्रॉब्लम लिखोगे, प्रॉब्लम के नीचे आप अपनी जीमेल आईडी और अपना फेसबुक का लिंक वापस पेस्ट कर देना, जिससे वो दो दो बार आपको चेक कर लेगा। इस जो फॉर्म का जो रिप्लाई है वो कभी भी होने को 7 दिन के अंदर आ जाएगा, होने को 1 दिन के बाद आ जाएगा, नहीं तो होने को महीने भर भी ना ठीक है। और आपको क्या करना है, ये जो फॉर्म है 5 दिन बाद, हर 5 दिन बाद, हर 4 दिन बाद फॉर्म वापस फिलअप करना है, और आपको जो लिंक मैं है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां आपको क्लिक करना है और उस फॉर्म को भर देना है ठीक है। अगर आपने यहाँ तक पूरी वीडियो मेरी देखी होगी ना तो आपको सब समझ में आ चुका होगा, अगर फिर भी कोई डाउट है अगर आपके माइंड में ठीक है तो मेरे को ना आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, नहीं तो मैं अपना टेलीग्राम पेज भी डाल दूंगा, अपनी इंस्टा आईडी भी डाल दूंगा ठीक है, वहां पे भी आप मुझे फॉलो कर लेना, कर लोगे तो ठीक रहेगा, इंस्टा आईडी पे जाके मेरे को वहां पे डीएम कर देना, फिर भी आपको सोल्यूशन ना हो रहा हो तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ जाओ, वहां से आपको मेरी प्रोफाइल भी मिल जाएगी, वहां से आप मेरे से सीधा डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हो तो ठीक है गाइस। अगर आपने यहां तक मेरी पूरी वीडियो देखी थी तो थैंक यू वेरी मच, और आपने सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, और भी लेटेस्ट वीडियो इस चैनल पे आपको मिलती रहेंगी, और आज से हम रेगुलर हो चुके हैं, कोशिश करेंगे अच्छी से अच्छी वीडियो आपको प्रोवाइड करवा, तो अभी मैं चलता हूं नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी लेके आऊंगा, और ड्रेस आपको सेम ही देखने को मिलेगी हर वीडियो में, ये हमने उसको पर्सनली ड्रेस बनाया, उसी में जा बहुत हो गया, चलता हूं गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर और आपके सारे डाउट हम फिर से क्लियर करेंगे।